Okay. Hello. So Sahaji aa gaye hain. Hai Sahas. Hi guys, so आज हम अगेन वापस लाइव आए हैं और आज कुछ गेम अवे भी है. Hi Sahas. Hi Doc. ये क्या था? आप फिर से बोल दे. Ladies and gentlemen, boys and girls, this particular session is going to be absolutely delirious because आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आज. Live treatments देखने को मिलेंगे आपके फेस के लिए. Best serums जो है मार्केट पीरियड में वो पता लगेंगे आपको कौन कौन से हैं. एंड इफ यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिलीरियस दैट काइंडली ड्रॉप अ स्क्वाड ऑफ दीज जस्ट लाइक कम टू निंजा काइंडली ड्रॉप अ स्क्वाड ऑफ दीज एज वेल एंड बी लाइक यो साहस एंड यो डॉक्टर गुप्ता. आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड यस वी आर गोइंग टू सेव दिस लाइव सेशन इनडीड. थैंक यू सो वेरी मच टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. You all people have been very, very wonderful. And now we are going to start with this particular live event. Hello, Doc. So, कैसे हैं आप साहस? मैं बहुत बढ़िया. 68 लोग बैठ के आ चुके हैं, वो देख रहे हैं. So, guys, आज आप लोगों को जो भी doubt हैं, आप पूछिएगा. और आज मैं जो giveaway करने वाला हूँ, वो eClet serum के ऊपर रहेगा. और कल मैंने इसका वीडियो अपलोड भी किया था यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है. तो क्वेश्चन भी इसके ऊपर होंगे आज. और जो सही आंसर देगा हम उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंपनी उनके घर में कुरियर कर देगी. तो फट से जो सबसे पहले आंसर देगा. तो साहस जी क्वेश्चन कुछ कुछ निकाल के बैठे हुए हैं, पहले से रिसर्च करके बैठे हुए हैं साहस जी. तो आपको उन्ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो वो हम बीच बीच में करते जाएंगे. अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. कुछ कुछ जो भी डाउट है आप लोगों के, स्टार्ट कुछ भी पूछना था पूछ सकते हो. Indeed. And ladies and gentlemen, एक क्वेश्चन आया है परी मिश्रा का ग्लूटाथियॉन से फ्रिकल्स रिमूव होंगे या नहीं. देखो फ्रिकल्स जो होते हैं ना वो सन डैमेज के कारण होता है. तो ग्लूटाथियॉन से फ्रिकल्स कम हो सकते हैं. आप कहोगे कि उससे खत्म हो जाएंगे तो पॉसिबल ऐसा मुझे लग नहीं रहा है उससे खत्म होते होंगे फ्रिकल्स. यस, कम हो सकते हैं, ब्लर हो सकते हैं. Right, and to all the people of the house, let me just explain to what Dr. Gupta has just said in Hindi, that Dr. Gupta is going to give away free giveaways to all the people who are going to answer questions related to his previous video and related to the very fourth episode of ours. So if you're going to answer those particular questions, then indeed, yes, we are very wonderful, very great and very healthy. Thank you so very much, madam. And we are going to entertain your questions. Yes, indeed, we are going to entertain your questions related to jawline treatment, all these things which you have been impeding into your mind. But before that, you have to kindly go on his YouTube channel, watch his particular video and drop us one of these, because this session is going to be absolutely delirious. This caravan is going to be absolutely serious. And agar aap log wo sahi answers dete hain, you are going to get free giveaways. Free. तो गाइस जितने लोगों को पार्टिसिपेट करना है, अभी हो रहा है 4:32, आप लोगों के पास से 5 मिनट्स, मेरे ख्याल से 5 मिनट का वीडियो है. फट से जाके मेरे YouTube चैनल पे eClet के ऊपर जो मैंने नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया उसको जाके देख लो, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं. तो ऐसा ना हो कि आप लोग समय ब्लैंक हो जाओ और ये आपको ना मिल पाए क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाए. Obviously the person who's going to answer very first time, for the very first time, we are going to give those takeaways, those giveaways to those people, not to all the people who have been answering all the questions. Aisa to ho nahi sakta na. Sare answer kar rahe hain to sabhi ko ek hi question mein de diya. Jo sabse pehle answer karega, jo sabse pehle aayega, jiska sabse pehle answer humko yahan pe dikh jayega. Exactly. All right, Doc. So we're gonna start with this very first particular session, and the first hamara question hai wo इसी eClet से स्टार्ट होता है. एंड द क्वेश्चन इज, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज इन फेब्रुअरी एंड आई वांट टू इंप्रूव माय स्किन टोन एंड एक्ने स्कार्स. सो हाउ कैन दैट, आपको कलर साफ करना है तो एक एडवांस क्लियर स्किन किट आती है, आप वो अप्लाई करिए. मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एडवांस क्लियर स्किन किट कलर को एकदम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है. और एक eClet का फेड आउट पिगमेंट सीरम है. अगर आपके फेस में एक्ने मार्क्स हैं और आपको वो रिमूव करना है, तो ये eClet का फेड आउट पिगमेंट करेक्टिंग सीरम है.
आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपके पिगमेंट को फेड आउट कर देगा, जो भी मार्क्स वहां पे पीआईएच पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जो रह चुके हैं, जैसे हम एक्ने को फोड़ देते हैं कुछ भी करते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण जो पिगमेंट आ जाता है वो बहुत टाइम लेते जाने में, तो उसको जल्दी रिमूव करना है तो ईटलेट का ये फेड आउट सीरम, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ, बट मैं बिकॉज अभी लाइव बैठा हूँ, बहुत सारी दवाई में बस रखी है, तो जैसे आप लोग मैं उसे पूछता हूँ, मैं आपको आंसर भी करता रहूंगा, दवाइयां भी बताता रहूंगा, आप लोग अपना दवाइयां लिख लो, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, तो वहां पर जाके वापस रिपीट में देख भी सकते हो, कोई दिक्कत हो तो. Indeed, doctor, indeed, doc. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, kindly take a screenshot of this particular product. Dr. Gupta, aapko fir dikha rahe. Wonderful. And I mean, there are a lot many things in the market period, but trust me, this product is absolutely wonderful. I have taken this product. It's in my bathroom. I can't go in my bathroom and get this product right now. But this product is absolutely wonderful. UNC एक क्वेश्चन अभी आया है कि डीमलान क्रीम हम यूज कर सकते हैं प्रोवाइडिंग डीमलान में हाइड्रो हाइड्रो ये अपना हाइड्रोक्विनोन है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज कर सकता है, ऑनकोलोसिस करा सकता है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप उसको करें. राइट 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 डॉक. एंड डॉक, अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है सारे लोगों को, प्यूबर्टी वगैरह जिनको हिट करी है अभी, नई नई जिनकी दाढ़ी आ रही है, मूछे आ रही है, नई नई जैसे मेरी आ रही है अनलाइक मी, तो उन लोगों का जिनके एक हार्मोन्स फूट रहे होते हैं, नए नए हार्मोन्स फूट रहे होते हैं जिनके हार्मोन्स फूट रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को एक्ने ज्यादा क्यों होती है, एंड देयर आर सम पीपल जिनको पूरी लाइफ में कभी एक्ने होती नहीं है. जब हमारी बॉडी में एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ता है, लाइक मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है. गाइस एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये सेशन को प्रॉपर देखिएगा, ये सेशन मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, और जो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से फिर से एक और हम लोग सेशन करेंगे, तो हम इसमें जो बताएंगे उसको हम क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछेंगे, तो इसको सेशन को अच्छे से देखना, आखिर तक देखिएगा. खैर जो अभी क्वेश्चन सांस ने पूछा उसमें है कि यंग एज में प्यूबर्टी के समय एक्ने ज्यादा क्यों आते हैं, बिकॉज बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल में एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जब टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, दैट्स एंड्रोजन्स कहते हैं उनको, वो जब बढ़ता है तो वो सीबम प्रोडक्शन, हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वहां पे अंदर सीबम सेबेशियस ग्लैंड होती है, तो वो सीबम सीबम जो बनाता है उसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है सीबम का, उसके कारण सीबम जब जल्दी ज्यादा बनेगा तो वहां पे पोर्स को क्लॉक कर देगा, पोर्स क्लॉक हो जाएंगे तो वहां पे एक्ने पी एक्ने बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं और एक्ने होने लगते हैं. जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है हार्मोन्स का लेवल डिक्लाइन होने लगता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है, तो आपके फेस में एक्ने भी नहीं आते हैं, ये तभी आता है कि जब आपके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो रहा होता है, तो यंग एज में प्यूबर्टी समय एकदम कहते हैं ना वो चरम सीमा पे हार्मोन्स चल रहे होते हैं. राइट राइट राइट. अभी ना आपने गलती से ना सीबम की जगह कुछ और बोलने लगे थे, ऐसे ऐसे जवान हो गई जो वापस लाइन पे आ गई थी, मैंने कहा चलो क्या करें आप right and all right, so people, are you prepared for the very first question, because hum question sets mein puchenge and jo answer karega questions unko milenge, but are you prepared for the very first question? Ek question Rishabh ne pucha hai, what is the alternative for hydroquinone? Okay, so Rishabh main aapko suggest karunga insta bright pack apply karo, वो विटामिन सी बेस्ड पैक है और बहुत ही सेफ है और रिजल्ट अल्टीमेट है उसके. इंस्टा ब्राइट पैक एक लिखा है ना, एडवांस ब्राइट शीट और इंस्टा ब्राइट पैक लिया, मैं दिखाता हूँ उनको, तो आप वो अप्लाई करिए, आपको डेली नाइट में अप्लाई करना है, विद इन अ वीक आपके चेहरे के कलर भी साफ हो जाएगा, पिगमेंटेशन भी साफ हो जाएंगे, हाइड्रोक्विनोन को आप भूल जाओगे, उससे उसका बाप है, मतलब जो बता रहा हूँ मैं अभी आपको. राइट ऑलराइट, सो डॉक आई कैन सी द लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयर्ड, तो हम अपना पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में, हम करेंगे. ऑलराइट, एक पर्टिकुलर इंसान है वो कह रहे हैं नो, तो सर हम क्या कर सकते हैं, आप लोग प्रिपेयर्ड हो, बाकी लोग प्रिपेयर्ड हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो फ्री गिव अवे चाहते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डैम श्योर मैं आपका यूजर नेम यहाँ पे नोट कर लूंगा, इंस्टाग्राम आईडी का, वी आर गोना कांटेक्ट यू एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेंड यू एब्सोल्युटली फ्री प्रोडक्ट, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो, आस्क योर फ्रेंड्स एज वेल टू वॉच दिस वीडियो, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू प्रिपेयर्ड डॉक्टर गुप्ता? मैं तो प्रिपेयर्ड हो रही हूँ. First question is, three steps to a good skin. What are the three steps to a good skin? Cleaning, toning, moisturizing. And the B option is moisturizing, toning, cleaning. And the third option is toning, cleaning, sunscreen. So the first person who gives me the first answer, like one, two, three, the first person will get the free giveaway products. So
आई एम गोना रिपीट. ऑलराइट, सीटीएम. पहला आंसर आ जो पहला चुका है, आ चुका है, आ आंसर चुका दिया है माइकी ने सबसे पहले बताया है, माइकी नहीं अंडरस्कोर 258 सीटीएम फॉर विंटर्स प्लीज. नहीं, अच्छा सीटीएम फॉर नहीं विंटर्स, नहीं विंटर्स पूछा था. ओके ओके ठीक नहीं नहीं है. नहीं नहीं द शेडी ये है ब्लॉगर, द शेडी द शैडी ब्लॉगर, ब्लॉगर, द शैडी ब्लॉगर. ओके SHADYBLOGG. या गाइस दिस आपको इज बहुत शेडी फास्ट रहना ब्लॉगर. है, और एल्स जो सबसे पहले जिसको दिखेगा आंसर हम उसको ही गिव अवे करेंगे. तो जो शेडी, क्या नाम था इनका, शेडी ब्लॉगर शेडी ब्लॉगर को मिला है ई क्लेड का सुपीरियर सीरम, जिसकी एमआरपी है 1900 रुपीज. और ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो कल बना चुका हूँ. तो ये आपको कंपनी के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाएगा. आप अपना एड्रेस जो भी है पूरा पिन कोड के साथ साहस को या मेरे को आप भेज दीजिएगा, और मैं कंपनी को फॉरवर्ड करके ये आपको डिलीवर करा दूंगा. तो ऐसे बहुत सारे हम गिव अवे रखते रहेंगे, करते रहेंगे. तो गाइस टच में रहिएगा और अपडेट रहिएगा जी. तो राइट. नेक्स्ट पीपल, द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर शेडी ब्लॉगर. इट इज एन एब्सोल्युटली फ्री प्रोडक्ट फॉर हिम. इट्स एन इम्पोर्टेंट कंपनी, इट्स अ वेरी वंडरफुल कंपनी. आई हैव बीन यूजिंग इट, इट्स वेरी वंडरफुल. इट्स एक्चुअली मिरेकल्स फॉर मी. सो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ये पर्टिकुलर वीडियो देखे, और जो जो इसका सही आंसर देते रहेगा, बाद में क्वेश्चन हम बीच में पूछते रहेंगे, उनको भी फ्री गिव अवेज मिलते रहेंगे. ऑलराइट डॉक्टर. सो डॉक्टर, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज फॉर स्किन लाइटनिंग. तो व्हाट इज स्किन लाइट, कैन यू जस्ट प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. सी, स्किन लाइटिंग में बेसिकली हम पिगमेंट को रिमूव करते हैं. अब जी पिगमेंट इवनली पूरे लेयर में डिपॉजिट है तो वो कलर कहलाता है, कहीं ग्रुप में डिपॉजिट है तो वो दाग कहलाता है. अभी व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट या लाइटनिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं. लाइक ये एडवांस क्लियर स्किन किट होती है जो 6 to 8 शेड लाइट करती है. ये सबसे अभी तक की सबसे बेस्ट किट है ट्रीटमेंट के लिए, एडवांस क्लियर स्किन किट, जो सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, एक्चुअल रिजल्ट देती है. जिसको गोरा होना है तो मतलब ये करके रहेगी. उसके बाद एक आता है इंस्टा ब्राइट पैक, ये उससे थोड़ा लो लेवल है, ये आपको डेली पैक लगाना रहता है. अब हम बात करें प्रोसीजर्स की, तो पीलिंग्स होते हैं. पीलिंग में हम क्या करते हैं, स्किन की लेयर को रिमूव करते हैं और पिगमेंट को रिमूव करते हैं. तो ये चीज वही करती है, डेड स्किन को भी निकालती है और साथ में पिगमेंट को भी रिमूव करती है. और प्रोसीजर की बात करूं तो मैं लेजर भी जो लेटेस्ट चल रहा है लाइक फोटो फेशियल, उसमें क्यूसेश लेजर या पीको लेजर यूज किया जाता है और वो पिगमेंट को ब्रेक कर देती है. मैं आज दिखाऊंगा आपको किस तरीके से वो ब्रेक करती है. उसमें पोर्स भी टाइट हो जाते हैं, उसमें एक चारकोल का पैक लगाया जाता है और उसको स्किन पोर्स में सेट किया जाता है, और फिर पीको लेजर से उसको ब्रेक किया जाता है और फिर वो कलर को भी साफ करता है, पिगमेंट को भी ब्रेक करके क्लियर करता है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, डिपेंड करता है क्या कंडीशन है और कितनी क्या नीड है कस्टमाइज, मतलब कस्टमर की, उसके राइट अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते राइट हैं. राइट डॉक, आज कोई है कोई लाइव ट्रीटमेंट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं बिल्कुल उनके बिल्कुल लिए? बिल्कुल बिल्कुल. एक एक लाइव ट्रीटमेंट, उसको बुलाओ, सुन मशीन चालू कराओ और सुन ऑलराइट सुन बुलाओ. पीपल, लाइव ट्रीटमेंट फॉर फ्यू पीपल. लाइट खुलवाओ, एंड मशीन खुलवाओ, जितने लोग लाइव ट्रीटमेंट्स माले को बुलाओ देखना चाहते फटाफट. हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइव ट्रीटमेंट्स दैट यू वॉच ऑन यूट्यूब एंड द लाइव ट्रीटमेंट्स दैट यू वॉच लाइव. उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसमें कट कॉपी पेस्ट काफी चल रहा होता है, लेकिन इसमें लाइव है ये पूरा. तो आपके फ्रेंड्स जिनको स्किन लाइट करवानी है या कुछ भी करवाना है, तो स्पेशली कॉन्टैक्ट डॉक्टर गुप्ता इन भोपाल एंड हिज अदर क्लिनिक्स एज वेल. एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वंडरफुल लाइट कलर्ड स्किन इन जस्ट 2 to 3 सिटिंग्स. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, वंडरफुल डॉक्टर. जब तक दूसरे लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब आपका जब तक सेट हो रहा है सारा वहां पे प्लॉट, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या जी जी अपने? बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा क्वेश्चन पूछता बन. All right, people, are you prepared for the next question for the giveaway? Are you prepared? If you are prepared, then kindly drop me one of these, and a yes into the chat box. यस Yes. ऋषभ, इंदौर में भी क्लिनिक है. माइकी बोल रहा है डॉक्टर यू हैव चेंज माय लाइफ विद इंस्ट्रा वाइट एंड एडवांस वाइट, थैंक यू, आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट. All right. अगर टायरोसिन, एक क्वेश्चन आया है, टायरोसिन इनहिबिटिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं निखिल? यस यू कैन यूज टायरोसिन इनहिबिटिंग प्रोडक्ट, बहुत सारे हैं. अर्बुटिन भी आता है, हाइड्रोक्विनोन भी है, बहुत सारे हैं जो टायरोसिन टायरोसिन पाथवे को इनहिबिट करते हैं. तो वो स्किन लाइटिंग एजेंट्स होते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे कर रहे हैं और कितना साइड इफेक्ट दे रहे हैं.
तो सेफ राइट प्रोडक्ट यूज करिए जो लॉन्ग टर्म आपको सेफ रहे, वही मैं सजेस्ट करूंगा। राइट ऑलराइट डॉक्टर, सो आई कैन सी द लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्ट राइटिंग यस इन द कमेंट चैट बॉक्स, सो वी गोना आस्क द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर द फ्री गिव अवेज, एंड एट द लैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन वी गोना इवन गिव यू अ फ्री डिस्काउंट कोड टू ऑल द पीपल हु हैव लॉस्ट बट स्टिल दे वांट टू बाय दीस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट सो द सेकंड क्वेश्चन इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रदर्स एंड गर्ल्स, द सेकंड क्वेश्चन इज, how much do all the clinics of Dr. Gupta, aka Poison Clinics, charge per one sitting for lip lightening treatment? The first option is 1,000 rupees per sitting. The second option is 1,500 rupees per sitting. And the third option is 1,500 to 2,000 rupees per sitting. Iska jo first answer likhega, usko मिलेगा। आई एम गोना रिपीट द ऑप्शंस वंस अगेन, जो लिप लाइटनिंग ट्रीटमेंट है डॉक्टर गुप्ता के ओके क्लिनिक। ऑलराइट निखिल राज आ चुका है, फोर निखिल राज 465। ऑलराइट ऑलराइट तो गाइस निखिल राज 465 को ई क्लैट का फेड आउट सीरम मिलता है जिसकी एमआरपी है 2200 रुपए। गाइस आपको बहुत फास्ट रहना है, आपको बहुत फास्ट रहना है, आपको बहुत फास्ट आंसर करना है, सुनते ही टाइप करना, आपको पता होना चाहिए। और ये सेशन आप देखो, नेक्स्ट सेशन जो होगा गिव अवे का, उसमें इस सेशन के क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो हम लोग बताएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो अभी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अभी जो हम पूरे डिस्कशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुने क्योंकि अगले सेशन में भी आप फ्री गिव अवेज ले सकते हैं। ऑलराइट सो मिस्टर निखिल राज, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, एंड जस्ट टू एक्सटेंड नोलर ब्रांच ओवर हियर, थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल फॉर ऑल द लव एंड फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू डॉक्टर गुप्ता चैनल, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। And yes, we are speaking in English, we are speaking in Hindi, we are even going to speak in Spanish, tu gustaría escapar conmigo, or we can even talk in Bangla. मैं दो तीन लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हूँ, बट नेवरतheless मैं अपनी थोड़ी तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रीटमेंट दिखाना लाइव जो All right, people, we are moving towards the first treatment of this particular day. To all the people who want to watch this treatment, who want to get this treatment done, or if you have certain questions regarding to this treatment, kindly post your questions down into the chat box, and I am going to write the questions to make you feel very, very homely and very, very wonderful. So kindly post your questions, your sterling, wonderful questions, and I am going to take your questions. All right, Dr. Gupta is absolutely prepared. He is serious, and this is going to be absolutely wonderful. Okay. As well. फोल्ड करो दिखाना। तो बेसिकली हम लोग पीको लेजर यूज कर रहे हैं, ये पिगमेंट को ब्रेक करती है। इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं इनका कार्बन फेशियल, तो हम एक कार्बन जेल लगा के और फिर पिगमेंट को ब्रेक करते हैं। इस साइड और पीछे बेसिकली इसके दो तीन बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कलर को फेयर करता है, पिगमेंट को नीचे दिखाता हूँ, कलर को फेयर करता है, पिगमेंट को ब्रेक करता है। दूसरी बात, इसका एक बेनिफिट ये है कि जो पोर्स टाइट होता है, ओपन पोर्स होते हैं, उनको भी ये टाइट कर देता है। तो लाइक मैं इसको अगर स्टार्ट करूं, आप देखिएगा, स्टार्ट करना। मिस्टर आशीष, सर्टेनली आई एम गोना टेक योर क्वेश्चन। देखो देखो पास में करके देखो। ऐसे करो कि दिखे वो वीडियो।
बेसिकली इसमें जो फोटो फेशियल होता है, बेसिकली पिगमेंट को हम ब्रेक कर देते हैं, जितने भी ब्लैक पिगमेंट होता है वो ब्रेक हो जाते हैं, मिलेन पिगमेंट ब्रेक हो जाते हैं, स्किन पोर्स टाइट हो जाती है धीरे धीरे, और उसमें कोलेजन रिमॉडलिंग होता है, तो स्किन स्मूथ हो जाती है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है और साथ में व्हाइटिंग इफेक्ट भी देता है। सेम हम लिप लाइटिंग के लिए भी सेम लेजर यूज करते हैं। डॉक, इससे जो स्कार्स होते हैं पिंपल्स के, वो हटते हैं क्या, पुराने पिंपल्स के हाँ बिल्कुल स्कार्स? बिल्कुल, हम अगर पुराने पिंपल्स के मार्क्स हैं, स्कार है, वो भी हम रिमूव कर सकते हैं लेजर के थ्रू, वो भी रिमूव कर सकते हैं। कोई भी पिगमेंट है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, लेजर पिगमेंट उसको ब्रेक कर देता है, तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं हमारे स्किन में जो पिगमेंट होते हैं उसको, जैसे टैटू होता है सेम पीको लेजर हम टैटू रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। पिगमेंट को ब्रेक करके ये होता है फोटोएकॉस्टिक, ये पट 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 आवाज आ रही होती है ना, वो फोटो एकॉस्टिक होता है, बेसिकली फोटो मीन्स लाइट एंड एकॉस्टिक मीन्स साउंड, तो ये उसको साउंड वेव के थ्रू उसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद वो उसको पूरा मैक्रोफेजेस एंगल्स कर लेते हैं और रिमूव हो जाता है पिगमेंट। Indeed. Doc, a particular question has been posted, and the question is there any side effect of this particular इसका therapy? ये इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट या इसके बाद आपको थोड़ा आफ्टर केयर करना है, आपको सनस्क्रीन रेगुलर फॉलो करना है, बिकॉज आपने पिगमेंट ब्रेक किए हैं, रिजल्ट आपको इंस्टेंट भी दिखता है और स्लोली ग्रेजुअली आपको 21 दिन में भी इसका रिजल्ट दिखेगा, जैसे जैसे मैक्रोफेजेस के एनगल्फ करेंगे आप कलर साफ होगा, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपके न्यू पिगमेंट वापस बनना चालू हो जाएंगे, सो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन रेगुलर टू मेंटेन इट। The second question that was posted was, what is the cost? एक cost कितना है, charges कितने हैं इस treatment के per ये sitting? इस फोटो फेशियल का जो चार्ज होता है अराउंड 3,000 to 5,000 के बीच में रेंज का था, डिपेंड करता है फेस एरिया कितना बड़ा है आपको, किसी को कोई पर्टिकुलर छोटे एरिया में चाहिए, किसी को बर्थ मार्क है, लहसुनिया जो होता है वो ही हटाना है सिर्फ, तो हम उसके लिए कम चार्ज करते हैं, और एल्स ये 3,000 to 4,000 या 5,000 के बीच में रेंज करता है। And how many sittings does a normal person require? Like 3 to 4 sittings? 3 to 4 बस, वंस इन 15 days। Ladies and gentlemen, 3 to 4 settings for the perfectly beautiful, soft, supple, natural, anti-aging skin. So kindly go to Dr. Abhineet Gupta's clinic. Kindly contact him on his official website and just go to his clinic. It's absolutely wonderful. I mean, इतना handsome doctor कहाँ मिलता है यार तुम लोगों को? भोपाल में डॉक्टर, हाँ वही तो, मतलब डॉक्टर देखे कितने अजीब अजीब से होते हैं, ये डॉक्टर देखो यार इतना यंग है ना, हैंडसम, आधे से ज्यादा तुम्हारा तो वैसे ही खून बढ़ जाएगा इतने हैंडसम डॉक्टर के पास जाके, तो जाओ ऐसे डॉक्टर्स के पास, स्किन लाइटनिंग करवाओ, लिप लाइटनिंग करवाओ। एक एक क्वेश्चन आया मेरे अभी की एडवांस, ऋषभ ने पूछा एडवांस वाइट किट की कॉस्ट है इसकी अराउंड एमआरपी 10,000 बट डिस्काउंट में मिल रहा है लेस्को मेक तो, इसकी एमआरपी है 4,000 रुपीज, तो आप जाके lescomic.com पे जाके इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। राइट इसको इसको राइट यूज करने का तरीका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। रिजल्ट्स 100% है मेरी गारंटी, रिजल्ट अगर नहीं मिले ना, मतलब रिजल्ट अल्टीमेट मिलते हैं अगर रेगुलर फॉलो जैसे बोला है वैसे फॉलो करते हैं लोग तो। और अभी कल मेरी कंपनी से, ईक्लैट कंपनी से बात हो रही थी, इनफैक्ट ईक्लैट कंपनी भी गारंटी दे रही है फेड आउट जो इनका ये प्रोडक्ट है, जिनको भी एक्ने के मार्क्स हैं, तो कंपनी गारंटी से बोल रही है कि पूरे ये फेड आउट नाम है और रिजल्ट भी वैसे ही है, पूरे गारंटी से वो फेड आउट कर देता है पूरे एक्ने मार्क्स। तो बहुत से पेशेंट्स होते हैं, बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कॉलेज गोइंग होते हैं जिनको एक्ने आते हैं, एक्ने फोड़ देते हैं, फिर मार्क्स आ जाते हैं और चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स लेके घूमते हैं, तो उनको बड़े परेशान होते हैं कि कैसे रिमूव करें, तो उसके लिए ईक्लैट का फेड आउट ये जो मास्क है सीरम है इसको अप्लाई करिए, ये आपके पूरे मास्क को रिमूव कर देगा स्पेशली मास्क के लिए। कई लोगों के एक्ने तभी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि वो गंदी गंदी हरकतें करते हैं, तो गंदी गंदी हरकतें करना बंद करो, एंड काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट। राजपूत राज पुरोहित ने क्वेश्चन पूछा है एसिमेट्रिकल फेस को ट्रीट करते हैं, यस वी ट्रीट एसिमेट्रिकल फेस, डिपेंड करता है क्या कितनी एसिमेट्री है, फिलर फिलर करना पड़ेगा या थ्रेड लिफ्ट के थ्रू हम उसको, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू हम उसको सिमेट्री कर सकते हैं। यस एक एक और क्वेश्चन है, स्पंदन स्पंदना ने पूछा है कि एडल्ट एक्ने मार्क्स भी रिमूव करेगा, कोई भी टाइप की मार्क्स हो सकती, वो एडल्ट एक्ने हो चाहे प्यूबर्टी एक्ने हो, कोई भी एक्ने, वो मार्क्स जो छोड़ रहा है दैट्स कॉल्ड पीआईएच पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, ये उस मार्क्स को रिमूव कर देगा, तो जरूरी नहीं कि एडल्ट एक्ने के मार्क्स हो या कुछ हो, वो उसको रिमूव करेगा। Alright, so the question is, does Eclat have its own CPM products?
हाँ, ये आपके लिए ईक्लेट का जो आपने सीटीएम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप उसके बारे में सर्च करें, ईक्लेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। इंस्टाग्राम पे भी ईक्लेट है, आप उसको जाके देखिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग थेरेपीज के लिए भी है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, उनके सीटीएम प्रोडक्ट भी है, सब कुछ है, तो सर्च करिए उसके बारे में, तभी आपको प्राइस मिलेंगी। And the question was actually asked by a very dear friend of mine. तो देखा मेरे दोस्त भी कितने इंटेलिजेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं. हाँ, नो, ऑलराइट. एक प्रिया ने पूछा है, ईक्लेट एक्ने स्कार को रिमूव करेगा क्या? देखो, अगर एक्ने स्कार हो गया, अगर आपको पिटिंग पिटिंग स्कार है, तो वो वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ मार्क्स को रिमूव करेगा। अगर डिप्रेस्ड स्कार है तो उसपे ये वर्क नहीं करेगा, कोई भी सीरम वर्क नहीं करेगा, उसके लिए लेजर होता है, तो उनको हमें लेजर करके रिमूव करना पड़ेगा। डॉक एक क्वेश्चन आया था, बॉडी ओडर को कैसे कंट्रोल करें. तो मेरा मन तो कह रहा था कि भाई रेगुलर नहाया करो, बट मैंने कुछ कहा नहीं, है ना. आई मीन सी, इट्स सिंपल मैं एक बात बताऊं, चॉइस. बॉडी ऑर्डर, आप बिल्कुल सही बताएगा, प्रॉपर नहाते हैं तो बॉडी क्लीन होती है। हमारा जो पसीना आता है, किसी किसी के पसीने में बहुत गंदी गंदी स्मेल होती है, जस्ट बिकॉज वो जो खाना खाते हैं, है ना, और जो बॉडी एसिड बनाती है, वो पसीने के थ्रू उनके टॉक्सिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो रिमूव होते हैं और वो स्मेल आउट करते हैं। तो आप ब्लड प्यूरिफायर जो होते हैं, लाइक वो आप पीजिए, मेडिसिन आती है बहुत सारी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, आप वो लीजिए, उसको खाइए, या उनको पी सकते हैं। लिवर को आपका अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो आपके डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो भी आपके ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और प्रॉपर नहाना तो है ही है, साथ में अगर फिर भी दिक्कत आ रही तो डिओड्रेंट तो बेस्ट होता ही है, मगर सबसे अच्छा है कि आपकी जो खाना खाते हैं ना, वो उसमें कंट्रोल करिए, प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए, क्योंकि ये जो खाते हैं वही आपकी बॉडी से स्मेल में निकलता है। और गंदे गंदी हरकतें मत करिए. हाँ, गंदी गंदी हरकतें मत करिए। आपको कुछ ज्यादा ही पता हाँ, है हरकतों के बारे में, ऐसा क्यों? ठीक ऑलराइट डॉक, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक अपने व्यूअर्स से. क्वेश्चन आया है, प्रिया ने पूछा है, हाउ टू मिनिमाइज लार्ज ओपन पोर्स। देखो, लार्ज पोर्स है तो एक पोर मिनिमाइजिंग सॉल्यूशन आता है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, पोर मिनिमाइजिंग सॉल्यूशन, और या तो फिर ट्रीटमेंट में जाएंगे तो हम लेजर करना पड़ेगा, लेजर से हम पोर्स को टाइट कर सकते हैं, लाइक फोटो फेशियल हमने किया था, अभी इससे भी पोर्स टाइट होते हैं। और दूसरा सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है CO2 फ्रैक्शन लेजर, जो उसको टाइट कर देगा। Right. Ladies and gentlemen, if you are excited for the next question, kindly drop a yes into the chat box, just like a Kung Fu Ninja, and along with a fist bump and a spin jump. We're gonna ask the next question in a very short period of time, but till then, you people need to be excited, just like we and Dr. Gupta is excited right now. Kindly post your questions down in the chat box. एक And क्वेश्चन आया है, yes. सफेद बालों के बारे में बताइए। तो सफेद बालों के बारे में, अगर अर्ली एज ग्रेइंग हो रही है तो बॉडी के अंदर कैल्शियम पेंटोथेनेट एंड कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही होती है, जिसके कारण आपके बाल व्हाइट हो रहे होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप प्रो इम्यून किट यूज करिए, प्रो इम्यून हेयर पैक किट आता है, एंड एल्ट्रिस सोल्यूशन। यहाँ पे डब्बा किसका ना रखा हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक प्रो इम्यून किट बुलाना ऊपर से, एल्ट्रिस एंड प्रो इम्यून किट। तो एक प्रो इम्यून किट आता है एंड एल्ट्रिस सॉल्यूशन होता है, वो ग्रे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि फेस वॉश के बारे में पूछा था, तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट फेस वॉश की बात, एक ने पूछा था कौन सा यूज करें, तो चारकोल फोमिंग फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा है, सस्ता भी है, 249 का भी आता है, और ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है और फेस में लगाने के बाद ठंडा कर देता है। अगर आपको एक्ने वैक्ने हो रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करिए, चारकोल फेस वॉश एल्ब्रिको, इट्स वेरी गुड। राइट. एंड इसमें एक्टिवेट चारकोल होता होगा जो डर्ट यस, को. हाँ डर्ट को खींच लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट. डॉक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जी जी बिल्कुल। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. सो काइंडली बी वेरी वेरी अटेंटिव. जिसने सबसे पहले आंसर दिया सीधे उसे जाएगा फ्री गिव अवे. तो द क्वेश्चन इज, what is the serum's name that yesterday Dr. Gupta was suggesting on his YouTube channel? अगर आपने वीडियो पर्टिकुलर जाके देखी है तो उस सीरम का नाम पूरा टाइप करिए, या कंपनी का नाम अभी टाइप करिए चैट बॉक्स पे, जिसको भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए. एंड आई एम गोना नोट योर इंस्टाग्राम यूजर नेम राय ओवर हियर. ऑलराइट, आई एम गोना रिपीट माय क्वेश्चन. व्हाट वाज द सीरम्स नेम दैट यस्टरडे
ओ आ गया आंसर, डॉक्टर आप बताइए, देखो, किसी ने ई क्लास सीरम, हाँ, ईक्लेट सीरम जिसने लिखा है वो सही है. हाइलुरोनिक एसिड, तो देखो हाइलुरोनिक एसिड भी हम कह सकते हैं सही है, बट एक्चुअल हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे कंपनी कंपनी का नाम पूछा गया था. तो ईक्लेट सीरम आई थिंक सोनू बहलीम समथिंग बहली बहल, हाँ उन्होंने लिखा है. बाकी अब तो तो लिख सकते सोनू नहीं, अब जीतो. तो ई क्लैट लिखते रहो, पूरा कंपनी का नाम लिख दो, इंग्रेडिएंट लिख दो, अब नहीं कुछ मिलेगा, अब तो इंग्रेडिएंट्स लिख दो, एमआरपी लिख दो, वेबसाइट लिख दो। सबसे पहले लिखना था तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करना था. तो खैर, सोनू जी को मिलता है ईक्लेट सीरम का फेड आउट. और ईक्लेट जो भी आपने इसका नाम बताया, तो मैं अल्फा ब्यूटिन जो मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड है, ठंड में विंटर में बहुत अच्छा काम आएगा आपके. तो आपको ये 1900 एमआरपी का ईक्लेट का सुपीरियर हाइलुरोनिक एसिड सीरम. खैर ये मल्टी मॉलिक्यूलर है, इसमें लो मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड भी है और हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों में वर्क करेगा, स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा. इससे पहले जो क्वेश्चन आता है ग्रेन के लिए, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये हेयर फैक्ट किट आती है प्रो इम्यून, ये आपको www.lescoming.com पे मिल जाएगा. आप इसको जाके परचेस करिए. अगर आपके हेयर ग्रेइंग हो रहे हैं, किसी भी रीजन से आपके हेयर फॉल आउट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, गारंटी से कंपनी पेटेंटेड दवाई है, गारंटी से 100% रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है, ये आपको उसको कवर अप करेगी. और फॉर ग्रेइंग आपको एल्ट्रिस सॉल्यूशन, आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एल्ट्रिस सॉल्यूशन लगाना है डेली, मिनिमम 6 मंथ आपको अप्लाई करना है. तो फर्दर ग्रेइंग, अर्ली एज ग्रेइंग को ये रोक देगा, आपको फर्दर ग्रेइंग नहीं होगी. डॉक्टर, इस कंपनी का नाम क्या बताया और वेबसाइट का नाम क्या बताया आपने? www.lescomig.com, LASKOMIG, lescomig.com. ऑलराइट पीपल, जो बात लोग आपको जिनके प्रो पास इम्यून लग रहे किट हैं और जी, जी और एल्ट्रिस बोलिए। सॉल्यूशन, वहां पे आपको प्रो इम्यून किट आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको प्रो इम्यून किट मिल जाएगा, और एल्ट्रिस सॉल्यूशन को सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या वहां पे हेयर ग्रेइंग ट्रीटमेंट की कैटेगरी में जाकर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल. राइट एंड डॉक, एक बहुत ही बड़ा बात कर मतलब एक डिबेट चलते रहता है काफी टाइम से, एंड द डिबेट इज कि जो ऑयल होता है वो बालों पे लगाने से कुछ बेनिफिशियल होता है, लाइक अप्लाइंग ऑयल टू योर हेयर इज इट बेनिफिशियल और नॉट। तो ये काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि होता है, कई डॉक्टर्स बोलते हैं नो इट्स नॉट, कई लोग बोलते हैं कि यस इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आपका क्या है एज यू एन एक्सपर्ट में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा हेयर क्या होता है. हेयर एक डेड, एक बार जो ग्रो हो गया हेयर, उसके बाद जो बन जाता है तो वो डेड होता है. ये अगर मैं इसको एज हेयर बात करूं, तो ये शाफ्ट है, ये रूट है अंदर, एक्टिव ये है, ठीक है, जान इसमें है, ये शाफ्ट में जान नहीं है, ये डेड है. अब इसमें अगर आप कोई अच्छी चीज लगाएंगे, जस्ट लाइक कि अगर मैं कोई लकड़ी के टुकड़े की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वुड की बात करूं, एक लकड़ी के टुकड़े की बात करूं, अब मैं इसमें कोई भी अच्छी चीज लगाता हूं तो ये इसमें अच्छी पॉलिश लगाऊंगा तो शाइन करेगा, मगर अगर इसमें मैं एसिड डालूंगा, कोई भी हार्ड केमिकल यूज करूंगा, तो उसकी सरफेस खराब हो जाएगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम हमारे हेयर होते हैं, अगर आप अच्छी चीजें लगाएंगे तो वो स्मूथ शाइन मारेगा, अगर आप कोई भी खराब केमिकल लगाएंगे तो वो रफ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और वो टूटने लगेंगे, फ्रजाइल हो जाते हैं. ऑयल क्या करता है? ऑयल आपको स्कैल्प को ड्राई होने से रोकता है, नरिश करता है, और उसमें बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है. अगर आप अच्छे कंपनी का ऑयल लगा रहे हो तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो हेयर को, जो शाफ्ट और रूट होती है, रूट को स्ट्रॉन्ग करता है और ग्रोथ प्रमोट करता है, वहां पे खून का फ्लो बढ़ाता है, जिससे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है. तो वंस अ वीक आप ऑयल लगा सकते हैं, 1 से 2 घंटा लगा के छोड़ दें. हमेशा ऑयल लगाएं तो ऑयल को कुनकुना गर्म कर लें, उसके बाद लगा के पोर्स में लगा के आपको स्कैल्प में मसाज करनी है. मसाज करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि वहां पे खून का फ्लो बढ़ेगा, हमारा मेन एम है खून का फ्लो बढ़ाना, खून का फ्लो बढ़ेगा तभी वहां पे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलेगी और बाल ग्रोथ फास्ट हो जाएगी. वैसे ऐसा कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता कि आप खूब सारा तेल लगा रहे हो तो बाल लंबे हो जाएंगे. अगर तेल लगाने से बाल ग्रो हो रहे होते हैं या लंबे या मोटे हो रहे होते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर गंजे नहीं होते. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अनुपम खेर ने भी तो यही कहा था कि मेरे को लोगों ने बोला कि किसी ने कहा कैमल का पी लगाओ तो कैमल का पी तक लगाने लग गया था, ये अनुपम खेर के एक अच्छा. इंटरव्यू में मैंने सुना था। एंड देयर आर मेनी थिंग्स कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, सो पीपल ऑयल लगाने से किसी के बाल ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर यह नरिश करता है, थोड़ा
मॉइस्चराइज करके रखता है बालों को। एंड और एक यार आपको क्वेश्चन, मतलब कि वो गंदी 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 हरकतें क्यों करने लग जाते हो? एक वो पता नहीं क्या उठाया हुआ था आपने, अभी उठाना हुआ ऐसे ऐसे जिससे कर रहे थे आप, पता नहीं कुछ क्या ग्लॉस ही लगाना पड़ता है ऐसे ऐसे, एक वो था कुछ लिवर सा, ये मेरा एक कैमरा होल्डर और था इससे पहले कुछ उठाया हुआ था आपने, है, ये क्या क्या गंदी गंदी चीजें दिखाते ये हैं। मेरी लैब, मैं अभी अपने लैब के अंदर बैठा हूँ, लैब में ये यूज होता है, ये पिपेट इसे हम लोग पिपेट है ये लैब में करते क्या, लैब में क्या करते आप ये बताओ मेरे को। अरे चलो मेरी स्टेम सेल की लैब है पूरी, मैं यहाँ पे पूरा लैब है, यहाँ पे मशीनें हैं, हम लोग चीजें लैब में बनाते हैं, स्टेम सेल के ऊपर वर्क करते हैं। फिर एक ने ओके पूछा गंजेपन का उपाय बताओ, तो भाई गंजेपन का उपाय ऐसा है कि डिपेंड करता है किस तरीके की गंजापन है, गंजापन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, खानदानी गंजापन हो रहा है तो पैटर्न बैलेंस जो कि मेल पैटर्न बैलेंस होता है उसमें डीएससी का लेवल बढ़ा हुआ होता है जिसके कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं सिर्फ इस एरिया के। एक होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, आप पहाड़ में चले गए, आप वहां पर ट्रैकिंग करें, खूब अपने बॉडी में स्ट्रेस हुआ, आपने खूब थकान हुई, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपको फॉलिंग चालू हो जाएगी, या आपको कोई बीमारी हुई, आपको जॉन्डिस हो गया या आपको टाइफाइड हो गया, कुछ भी हुआ तो बॉडी के अंदर सेल में स्ट्रेस हुआ और उसके कारण 1.5-2 महीने बाद बाल झड़ना चालू हो गया। डिपेंड करता है कि रीजन क्या है बाल झड़ने का, पॉल्यूशन के कारण भी बाल झड़ते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण भी बाल झड़ते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले रूल आउट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। मैं सजेस्ट जनरली करता हूँ कि आपको अगर कोई विटामिन लेना है तो सबसे अच्छा है कि प्रो इम्यून किट लो, इसके अंदर साइक्लिकल थेरेपी है, सारे विटामिन कवर करती है कंपनी, कौन से दिन कौन सा विटामिन खाना है, इसके अंदर विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी, सब कुछ है, तो आप इसको खा लेंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी खाने की जरूरत नहीं है, और कोई बहुत महंगा भी नहीं, 2,000 रुपए का पूरे महीने भर का बॉक्स आता है, आप इसको खाइए 100% बाल आपके किसी भी रीजन से झड़ रहे हैं तो आपके रुक जाएंगे। एक साथ में अगर आपको खानदानी गंजापन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ट्राइको नरिश एफ फिनिस्टाइड जेल है, ये टॉपिकल जेल होता है, इसको आपको लगाना रहेगा, जो आपको फिनिस्टाइड जेल है, और साथ ही साथ आप ये टेबलेट खाना है, एक रीस्ट्रो हेयर सीरम आता है ऑयल है, वंस अ वीक आप ऑयल को लगा सकते हो, और एक ड्यूटासेफ अगर आपको खाने का गंजापन है तो साथ में ड्यूटासेफ टेबलेट खाइए, वो जो आपको डीएससी ब्लॉक करे, ये 3 चीज फॉलो करेंगे आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और साथ ही साथ जो बाल बचे हैं वो भी थोड़े थोड़े वेलनेस से वापस वापस से रिवाइव हो जाएंगे। एंड डॉक एक काफी मैं क्वेश्चन देखते रहता हूँ, आई मीन देयर इज ह्यूज डिबेट ऑन द इंटरनेट गोइंग ऑन कि आई डोंट नो, यहाँ पे काफी मेच्योर लोग देख रहे हैं एंड आई थिंक कि काफी लोगों को ये काफी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं इस चीज को लेकर। तो ऐसा कुछ होता है कि फैप करने से आप मतलब यू नो जो नेचुरल जितना भी लोग अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्लेजर करने के लिए सेल्फ वो करते हैं, उससे कुछ बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ता है कि नहीं? देखिए ये डिपेंड करता है कि यार देखो इफेक्ट तो पड़ता है और नहीं भी पड़ता है, ठीक है, आप जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी मसल बनेगी, हम एक्सरसाइज करेंगे तो मसल वर्क करेगी और मसल डेवलप होगी, अगर आप जिम नहीं जाएंगे तो आपकी मसल वर्क नहीं करेगी और मसल अंडर डेवलप हो जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा किसी को फ्रैक्चर हुआ हाथ में, उसको प्लास्टर बांध दिया, 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर खोलते हैं तो आपको दोनों हाथ में फर्क दिखेगा, जिस हाथ में प्लास्टर बांधा था वो श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, बॉडी को लगता है कि उसका यूज नहीं है तो वहां पे वो ध्यान देना कम कर देती है और बाकी जगह ध्यान देती है, ठीक है ना। तो आप जो बोल रहे थे लाइक मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं आप, तो मास्टरबेशन बॉडी वंस अ वीक क्लीन करना चाहिए, अगर आप यूज करेंगे आप करेंगे तो बॉडी उसको डब बनाती रहेगी स्पर्म को, नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी उसको लगेगा कि किसी काम की नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है, और उसको बनाना स्लो आउट कर देगी, तो वंस अ वीक इज सफिशियंट, बट ओवर भी नहीं करना चाहिए जो जनरली लोग करते हैं, तो अगर ओवर करेंगे तो फिर दिक्कत जरूर है, एंड पीपल बिकॉज आई वही थिंक आपके अभी आप उतना डाइट भी लो, उतना इनपुट लो, हाँ आउटपुट के साथ साथ आपको इनपुट राइट होना चाहिए, आप न्यूट्रिशन खा ही नहीं रहे तो बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में कहीं कहीं अगर स्पर्म की बात करें तो वो मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, सब कुछ होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है, बॉडी को वो सब बनाने के लिए कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल चाहिए, तो अगर आप रॉ मटेरियल आप नहीं दे रहे हैं बॉडी को, आप खाने में डाइट में कमी है, आपके न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, तो बॉडी क्या करेगी, आपके बॉडी में से ही तोड़ लेगी,
आपकी कैल्शियम चाहिए तो आप आपकी वेरी डाइट में ट्रू, कैल्शियम नहीं आ रहा है, तो वो आपकी मसल बोन से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करेगी और वहां पे भेज देगी यूटिलाइजेशन के लिए। आपके जो भी न्यूट्रिशन है, आपके हमारे हेयर में भी न्यूट्रिशन स्टोर होते हैं, तो बहुत सी जगह स्टोर होता है जो, तो वहां से वो रिमूव करके और उस जगह पे भेज देगी कि भाई तेरे को नहीं चाहिए अब ये इधर बनना है, तो वहां पे वो भेज देगी। तो इससे अच्छा है कि डाइट आप प्रॉपर लेंगे और फिर जो भी करना है करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट डाइट लेना चाहिए प्रॉपर प्रॉपर राइट. एंड न्यूट्रिशन आई डाइट। थिंक पीपल आई थिंक दैट्स वेरी वेरी एसेंशियल टू नो द एक्सपर्ट सजेशन एज वेल, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं. कई लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. नहीं, सो वंस आई अ वीक थिंक सफिशियंट है, वंस अ वीक करना हाँ भी चाहिए, बॉडी क्लीन होती है, एग्जैक्टली आई अंदर थिंक अंदर दैट्स फड़फड़े सड़ कम्प्लीटली जाएगा, अंदर फड़फड़े सड़ हाँ जाएगा, आई थिंक दैट वी शुड टॉक एक अबाउट ग्रेवियन दीज बन थिंग्स जाएगी अंदर एज ही। वेल. मैं डॉक मैं देखा है कि हमारे इंडिया में ना इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा ना टैबू लेके चलते हैं ना, यू नो व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो अलग अलग, मतलब कोई स्माइल करता है, कोई अलग टाइप से ग्रिन करता है, बट नो वन वॉन्ट्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक इन चीजों के बारे में हमें बात करना चाहिए, इन चीजों के बारे जी में देखना चाहिए कि कैसा है, एंड एक्सपर्ट सजेशन लेना चाहिए. मतलब कैसा है ये नहीं देखना चाहिए, मतलब कैसा, मतलब क्या, कैसा आई मीन लाइक ओके लेट्स जस्ट इग्नोर इट. ऑलराइट डॉक, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था हेयर फॉल के लिए विंटर्स में, तो जी, क्या इसका क्या क्या करते हैं, हेयर क्या फॉल क्वेश्चन था? विंटर ड्राई स्कैल्प एंड हेयर फॉल विंटर्स में. देखिए, हमारी बालों की लाइफ साइकिल होती है एनाजन, कैटाजन, टिलोजन, तीन फेज में बाल ग्रो करते हैं। एनाजन फेज में बाल ग्रो करते रहते हैं, कैटाजन फेज में इंटैक्ट रहते हैं, टिलोजन फेज में फॉल आउट हो जाता है। राइट 2 से 3 साल एनाजन फेज चलता है, 6 महीने कैटाजन फेज होता है, टिलोजन फेज होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज आपके बाल झड़ रहे हैं, बट ठंड में या बरसात के मौसम में आपके फॉलिंग ज्यादा दिखती है, बिकॉज वो एनाजन फेज में ज्यादातर बाल होते हैं। बट फॉलिंग एंड लॉस में बहुत फर्क होता है, 100 से 150 बाल एक दिन में झड़ना नॉर्मल है, मगर वो अगर वापस ग्रो नहीं हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हेयर लॉस। तो वो फॉलिंग फॉलिंग होने के बाद ग्रो भी होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब अगर हम आपको, ह्यूमन देखो बीइंग मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हो ना, भाइयों और बहनों, सबसे अच्छा है एक ये आता है प्रो इम्यून किट, एक ऐसी आता है मेल हेयर कट किट और फीमेल हेयर कट किट, वो थोड़ा सस्ता है, 1,000 रुपए का है बॉक्स। आप ये खा लो, कोई भी किसी भी रीजन से आपके बाल झड़ रहे हो, किसी भी रीजन से बाल झड़ रहे हैं, ये सारी इंडिकेशन कवर कर रही है किट, ये किट सारी इंडिकेशन कवर कर रही है, इसके रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आ रहे हैं आपके। उसके अलावा कोई नहीं सोचना, कुछ नहीं खाना। अगर आपने ये खा लिया, आपको विद इन 1 मंथ आपको फर्क दिख जाएगा, और 3 से 4 महीने में आपको 30-40% कंपनी कहती है ग्रो हो जाएंगे, ग्रो बैक हो जाएंगे आपके बाल। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और सारे इसमें सब वाइटामिन है, विटामिन डी के कारण भी आपके बाल हेयर फॉल होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल होता है, बहुत से रीजन होते हैं हेयर फॉल होने के। जो कई लोग, पता है मैं आपको बताऊं, जिम जाते हैं और खूब हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अब उनको लगता है प्रोटीन से बाल बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन बॉडी, प्रोटीन से ही पूरे सेल्स बनते, सब कुछ होता है, हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे रहेंगे, बहुत गलत फहमी होती है इन लोगों को। प्रोटीन एक्सेस में खाते हैं तो भी आपके हेयर फॉल बढ़ जाता है, रीजन बिल्कुल सर. इसका रीजन क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड होता है बेसिकली, वो जब डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड बनता है, जब वो अमाइनो एसिड ब्लड के अंदर कंटेंट ज्यादा आता है, तो वो ब्लड को एसिडिक कर देता है, एसिडिक जब ब्लड को कर देता है, तो वो बेसिकली आपके उसको बफर करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, और कैल्शियम सप्लीमेंट आप प्रॉपर नहीं ले रहे होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो वो आपकी बोन से भी कैल्शियम निकालता है, और आपको वहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की, बिकॉज उसको बफर करने के लिए, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, वो कैल्शियम की जरूरत रहती है। तो और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो भी आपके हेयर फॉल होने लगते हैं। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है हम अच्छा खा रहे हैं और उससे बाल सही हो जाएंगे, बट गलत फहमी है। तो ये वाला किट मैं खुद भी खाता हूँ ये वाला किट, और मैं आपसे यही करूंगा कि आप फॉलो करें, इसमें सारी चीजें सारे इंडिकेशन कवर कर रहा है, डॉ के परचेज कहाँ से कर सकते हैं? ये आपको lescomic.com पे मिल जाएगा, LASKOMIG, lescomic.com, LASK ओ O lescomic.com, LASKOMIG.com, www.lascomic.com. People just go over there, buy this particular product, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता खुद ये चीजें ट्राई करते हैं, सो ही वोंट सजेस्ट यू एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर हिम, राइट. एंड ये चीजें काफी, एंड सी आई हैव सीन वन मोर थिंग, कि जितने आप सस्ते प्रोडक्ट्स खाएंगे उससे ज्यादा जैसे एग्रीवेट हरीश हो ने जाएंगे एक लिखा चीजें. है, हरीश K03, अच्छा ये तो महेश बाबू हमारे, इन्होंने लिखा है lescomic.com,
तो गाइस इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये महेश बाबू हमारे आए हैं. Ladies and gentlemen, it's lastcomic.com and Dr. Gupta, can we please move on to the next giveaway question? Next giveaway question, puche. Ji. All right, people of the house, ladies and gentlemen, boys and girls, brothers and girls of the house, are you prepared for the waiting next question? If you are prepared for the waiting next question, kindly drop us one of these, and one of these in the chat box. Along with the yes. Yeah, no, one of these. मैं थोड़ा modify करते रहता हूँ अभी जी. अच्छा जी. Alright, so I can see that a lot of people are prepared and ladies and एक एक question है मुझे hot बना दो. एक मुझे hot बना दो. एक किसने पूछा है? RK जी ने पूछा है. RK King ने पूछा मुझे hot बना दो. जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा. आप आइए भोपाल क्लिनिक में. मैं आपको हॉट बनाने की कोशिश करूंगा. सर्जरी मुंह पे बिठा के ना ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स हो गए. बट फिर उस हिसाब से अपनी जेब भी हॉट रखना, क्योंकि जेब से भी ऐसे हॉट पैसे जाएंगे उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा. ऑलराइट पीपल, सो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, and just be prepared, and the very first answer that pops on our screen, we're going to take that particular answer, right? Just don't confabulate or narte mat rehna ki yo about all these things ki maine answer kiya, maine answer kiya, kyunki jo hamare paas aa raha hai hum usi ko accept kar rahe hain, jo sabse pehle dikhega uska. But ladies and gentlemen, the very next question is, what is the percentage of hyaluronic acid in the E-CLAT multi-molecular HA serum? And the options are, options are 10%, 12%, 15%, or 15.5%. I'm going to repeat the question. What is the percentage? Oh, answer pehle hi aa chuka hai. Angel ne de diya hai. Log bol rahe 5%, 2%. Ye to bhai options bhi nahi the. Kya bande hai bhai? एंजल ने आंसर दे दिया है 12%. बिल्कुल राइट है. एक्चुअल इसके अंदर 10+2% है. 10% इसमें हाई मॉलिक्यूलर एंड लो मॉलिक्यूलर का डिफरेंट है इसमें. तो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो जो इसमें हाइलुरोनिक एसिड 10% है, एंड 2% इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड. टोटल मिला के 12% हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में है. एक और क्वेश्चन में रखता हूं कि हाइलुरोनिक एसिड के अलावा इसके अंदर दो कंपाउंड के नाम जो बता देगा उसको मैं भी कभी मतलब उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा. चलो भाई तुम्हारा भाग चमक चुके हैं. हाइलुरोनिक एसिड के अलावा इसके अंदर दो कंपाउंड कौन से हैं? तो गाइस मेरे वीडियोस आप देखा करो रेगुलर, और नेक्स्ट वीक भी जब आएंगे तो अल्फा आर्बुटिन Niacin, is that right? हाँ, मैं तीसरा कंपाउंड, दोनों कंपाउंड बताना है. हाँ, NAC. कौन देगा डॉक? नहीं, अभी तक पूरा एक्चुअल आंसर नहीं आया है. जो एक्चुअल आंसर देगा है ना, एक्चुअल आंसर देगा. अल्फा ऑर्बिटन लिख रहा, दो कंपाउंड की बात करी मैंने. गाइस दोनों कंपाउंड एक साथ जो फर्स्ट सबसे पहले लिखेगा वो बताएंगे. डॉक आंसर्स पढ़ते रहो नीचे. मैं आंसर पढ़ रहा हूँ. यस, ये आया है जिंदल जिंदल वीक में, जिंदल वीक समथिंग में है. एनएसिटाइल अल्फा ऑर्बिटिन एंड एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन. इट्स एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन. लोग नियासिनमाइड लिख रहे थे, नियासिनमाइड नहीं है, ग्लूकोसामाइन है इसके अंदर. डॉक क्या नाम है? इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे को मिल नहीं रहा एक्चुअली, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गया. आप बताएंगे फिर से उसका? मैं को नीचे 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 कहाँ गए भैया? ये है जिंदल जिंदल विक अंडरस्कोर ऑफिशियल, जे आई एन डी ए एल. मिस्टर जिंदल, आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट वंस अगेन. जिंदल विक, जे आई एन डी ए एल ए डी वी आई के अंडरस्कोर ऑफिशियल. ए डी जितने लोग भी जीते जा रहे हैं वो प्लीज मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे. मिस्टर जिंदल, कैन यू प्लीज कमेंट वंस अगेन डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज,
your official इंस्टाग्राम यूजर नेम? नहीं आप नहीं है, जिंगल बोर्ड दे आप नहीं है, वो जिंदल विक का अंडरस्कोर ऑफिशियल लोग है। कैन मार रहे हमें ये ऐसे ऐसे गलत काम मत भाई करो। यार, देखो यार, अच्छे घरों के हो, ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। स्कैम तेजस मार का रहे एक हो जो क्वेश्चन है, हाँ उनको तेजस ने क्वेश्चन पूछा, कोलेजन प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन। सी कोलेजन प्रोटीन में कोलेजन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है, जो कि हमारी स्किन की लेयर में कोलेजन होता है एंड इलास्टिन होता है जो स्किन को स्ट्रेंथ देता है। साथ में हमारे बोन्स में जो लिगामेंट्स में भी कोलेजन होता है, तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो ये कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और हेयर को भी हेल्दी रखता है। तो कोलेजन प्रोटीन के अंदर प्रोटीन विथ कोलेजन है एंड वे प्रोटीन प्योरली वे होता है, उसमें प्योर प्रोटीन होता है, उसके अंदर कोलेजन नहीं होता है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप वो लीजिए, और आपको हेल्दी स्किन रखनी है, हेयर रखने हैं हेल्दी और नेल्स हेल्दी रखने हैं, तो आप तो कोलेजन प्रोटीन लीजिए। एंड डॉक्टर, जो आपने पिछले ये अपने एपिसोड में काढ़े का बताया था, वो काढ़ा किस चीज में हेल्प करता है? दो टैबलेट्स, वो ऑरेंज वाली काढ़ा की चीज में लोगों से पूछो, नहीं को काढ़ा दे देंगे। लोगों से पूछो वो क्वेश्चन, जो बताएगा किस चीज में हेल्प कर कौन? रहा है काढ़ा। नहीं, गाइस वो प्रिपेयर, वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे हम काढ़े वाला क्वेश्चन फिर। अच्छा, तो जो काढ़ा है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो लेके आना काढ़ा, नीचे से बुलाना, दिखाते हैं आपको शायद काढ़ा मंगाओ ऊपर से। वो काढ़े के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत टेस्टी काढ़ा है, जो काढ़ा नाम काढ़ा है मगर कड़वा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऑरेंज जूस लगता है वो। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए और हमारे बहुत सारे बेनिफिट करता है। आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो उसमें भी हेल्प करेगा, आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन को इम्प्रूव करेगा, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालेगा, बहुत में काम All करेगा। right, doc, a person has been asking a question again and again and again and again, and the account's name is Mickey_258, and the question is, and I quote, "Please ask CTM product names for winters." Unquote. देखो डिपेंड करता है क्लींजर टोन में, मेरे हिसाब से मिसलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, मिसलर वाटर, ठीक है, ये मिसलर क्लींजर है। अरे वसीम, ब्यूटी वाटर का सेट मंगा जल्दी से, ग्लास और ऑयल, तिल का तेल। मैं आपको बहुत एक अच्छा सा एक दिखाता हूँ, लाइव लाइव एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो किस तरीके से हमारे फेस से स्किन से ऑयल को रिमूव करता है। बहुत से पेशेंट्स को, बहुत से क्लाइंट्स को, बहुत से लोगों को इश्यूज होते हैं स्किन में, ऑयली स्किन होती है, ठीक है, सीबम ज्यादा बन रहा होता है, एक्ने ज्यादा बन रहे होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्यूटी वाटर का सेट आप लो, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 होता है। मैं लास्ट सेशन में बताया था ब्यूटी वाटर के बारे में, जो कि 11.5 pH, 2.5 pH एंड 6 pH का होता है। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से वो तेल को दूध बना देता है। Right, and I can see some Sicilino Matty _10 has commented. So Sicily is part of Italy, and io sono la ragazzo. I do speak Italian as well. I do live. मेरे तो सिलेबस से निकल गया। हाँ, वो इटालियन था क्योंकि मेहनत किया डॉक हमने बहुत ज्यादा, ऐसे ही नहीं है। वो बुला बेटा, ब्यूटी वाटर तो लाओ, हाँ सेट मंगा ले जल्दी से, हाँ एक ग्लास और। खैर मैं गाइस यहाँ पे तिल का तेल यूज कर रहा हूँ, इट्स अ तिल का तेल। हम सबको पता है कभी भी ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते हैं, आपस में ऑयल एंड वाटर मिक्स होते हैं क्या? जल्दी से बताओ नहीं गाइस, नहीं होते हैं। तो ये तेल है, एक्चुअल तेल है, ठीक है, जो इस ग्लास में पानी है और मैं इसमें डाल रहा हूँ और ये ऊपर तैर रहा है, ठीक है ना, ये मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, देखो और ये पानी चेक कर लो। दारू वाले हाँ ठीक ग्लास है, आपके क्लिनिक में क्या कर रहे हैं? मेरे मेरे दो पब थे ना, पब के बहुत सारी ट्रॉफी बची हुई है, भोपाल में दो क्लब थे मेरे, पब बार था, रेस्टोरेंट था, ठीक है। तो ये इसमें कभी मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, मैं एक खाली ग्लास ले रहा हूँ, खाली ग्लास है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला, ठीक है, सेम लाइव ऑयल डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ऑयल डाला है और ये मैंने ब्यूटी वाटर का स्टेप 1 लिया है, ठीक है, इट्स ब्यूटी वाटर स्टेप 1 जिसका पीएच है 11.5, ओके, इट्स अ हाईली अल्कलाइन पीएच। जब मैं इसमें डालूंगा तो ये इसको इसने पूरा वाओ इसको डिसॉल्व कर दिया है,
दूध बना दिया, इसको पीना नहीं है उनको। ये अच्छा ऑयल को ब्रेक कर देता है, तो जब आप इसको फेस में स्प्रे करते हैं तो आपकी जो भी ऑयल आता है फेस में वो पूरा रिमूव हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसके साथ इसमें आता है स्टेप टू आता है जो कि एसिडिक होता है, इसका पीएच है 2.5, ये हाई स्लाइटली एसिडिक पीएच है। अब ये क्या करेगा, जब आपके आप पहले आपको स्टेप वन यूज करना है फेस में स्प्रे करना है, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाटर भी है। इसको स्प्रे करने के बाद आपको स्टेप टू स्प्रे करना है, ये जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनको किल कर देगा बिकॉज द एसिडिक वाटर। इसके बाद आपको ब्यूटी वाटर का जो स्टेप थ्री है विच इज 6 pH, आपको ये अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद सीधा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। तो आपको क्लींजिंग टोनिंग टोनर भी है, ये जो स्टेप 6 है ये टोनर एज अ टोनर वर्क करेगा, ये एज अ क्लींजर वर्क करेगा, और ये आपका एसिडिक वाटर है जो कि आपको अगर आपको सोरियासिस भी है, स्किन डर्माटाइटिस भी है, एक्जिमा भी कुछ हो रहा है, आप उसमें भी अप्लाई करेंगे विद इन अ वीक आपका चीजें दिक्कत खत्म हो जाएंगी। राइट 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 पीपल ऑफ द हाउस, वी जस्ट हैव अ फ्यू मोर मिनट्स। तो डॉक, हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन सिर्फ 1 आवर का ही होता है, राइट? ठीक है, एंड तो लास्ट क्वेश्चन हम पूछे जी, बिल्कुल Anna. All right, people, are you prepared for the very last giveaway question? If you are prepared for the very last giveaway question, question pucha, which brand is this? It's a beauty water. It's a Lesco Make brand. You can take a screenshot. आप उसकी वेबसाइट पे जाइएगा Lesco Make की, इसका इसका स्क्रीनशॉट लेके मिरर में देखना, आपको सीधा दिखेगा Lesco Make है, एंड आप इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। डॉक, जिंदल अवेक का फाइनली कमेंट आ चुका है। जिंदल अवेक, आपको एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट मिला है, एंड वो प्रोडक्ट आप कॉन्टेक्ट करिए हमसे, एंड हम आपका एड्रेस नोट डाउन करेंगे, एंड वी आर गोना श्योरली गिव यू दैट गिव अवे प्रोडक्ट। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वेरी फाइनल क्वेश्चन, वेरी फाइनल गिव अवे क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी वंडरफुल इवनिंग विद दिस वेरी हैंडसम एंड वेरी स्टर्लिंग डॉक्टर अभिनीत गुप्ता? If you are prepared for the very last question, तो मैं आपसे request करूंगा कि सारे लोग yes लिखे chat box में, alright? So Devang is prepared for the very last question. Yes, Chindravik फिर से prepared है, and I hope कि जितने भी previous winners हैं, इस बार वो hope करता हूँ कि ना जीते, लेकिन अगर जीत गए तो क्या ही कर सकते हैं, but हम hope करेंगे कि ना जीते। Guys बहुत fast run है, जो सबसे पहले type करेगा उसको सही आंसर प्रॉपर आपको टाइप करना है, जितना पूछेगा उतना। ऑलराइट, व्हाट इज द डिस्काउंट कूपन दैट यू कैन यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ईक्लैट मल्टी मॉलिक्यूलर एचए सीरम? डॉक्टर एक बार वो ईक्लैट वाला दिखा दो फिर से। व्हाट इज द डिस्काउंट कोड? इज इट POISON? इज इट ABHI? इज इट CLEAR? और इज इट विनोद? इस प्रोडक्ट का डिस्काउंट कूपन क्या है? ऑलराइट, अंजल ले चुका है। इन्होंने 2 बार जीते हैं, मतलब पूरा क्या करें, वीडियो लोगों ने घोट लिया है तो हाँ। डॉक्टर कंसीडर करें क्या अंजल को, या फिर किसी और को कंसीडर करें? जी, उनको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोबारा मेहनत करी है, और उनको दो अगर विन किए उन्होंने तो बिल्कुल उनको 2 बार मिलना चाहिए गिफ्ट, तो उनको एक फेड आउट भी मिलेगा और उनको एक ई क्रेडिट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा उनको। बिकॉज वरना लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से एक ही बार आंसर देके जीत के भी चले जाएंगे। खैर, नेक्स्ट सेशन लेंगे हम लोग, फिर मंडे को या ट्यूसडे को हम लोग आएंगे, मैं हम लोग अपडेट कर देंगे हमारे इंस्टाग्राम में लाइव सेशन के बारे में जो भी रहेगा, और उस नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्वेश्चन रखेंगे ग्लूटाथियोन के ऊपर। तो गाइस, मेरे ग्लूटाथियोन के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, ग्लूटाथियोन के 4 से 5 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो रखेंगे गिव अवे वो ग्लूटाथियोन के क्वेश्चन के वीडियोस के बेस पे ही रखेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अभी से जाके देखना चालू करें मेरे वीडियोस, और रटना चालू कर दीजिए जैसे अभी तक लोगों ने करके रखा है, तो ताकि आप लोग भी बहुत सारे नेक्स्ट वीक हम फिर से गिव अवे करें और आप लोग जीत सकें। Glutathione, kindly go and watch his particular videos on his official YouTube channel if you want to win very wonderful giveaway products as well. Ladies and gentlemen, जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, बट जब मिल रही है तो ले लो थोड़ी सी मेहनत करके, एंड इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अगर तुम्हें फ्री में तो वाई। मेरे ख्याल से आज ईक्रेट वालों ने जो गिव अवे दिया होगा, मेरे ख्याल से हम लोग कितने विनर चूज किए, कितने लोग विन करें?
हमने टोटल डॉक 6 विनर्स चूज किए, जिसमें हमने 5 विनर्स लिए, अंजल को 2 बार मिला। ओके सो 6 है अराउंड, मेरे ख्याल से 2200 का एक है तो अराउंड 13-14 हजार के ईक्लेट वालों ने गिव अवे दिया है, तो नॉट बैड। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे और लोगों को विन कर पाएंगे। गाइस सब लोग जो लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल साहस को भी फॉलो कीजिए, और मेरे को तो फॉलो कर ही रहे हो तभी मेरे लाइफ पे आ पा रहे हो, तो ये वीडियो हम लोग पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी वापस जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है आप रिपीट में देख सकते हैं, आंसर अपना समझ सकते हैं, कोई डाउट क्लियर करना हो तो। और इस वीडियो से भी हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ऐसे मत सोचना कि ये वीडियो गया तो क्या, हम इस वीडियो से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? लाइक 1900 रुपीज वर्थ प्रोडक्ट, सो व्हाई नॉट जस्ट वॉच ऑल द वीडियोस, गेन सम वेरी वंडरफुल नॉलेज एंड गेट सम वेरी वंडरफुल टेक अवे एंड गिव अवे प्रोडक्ट्स। All right, thank you so very much, Dr. Abhineet Gupta. Ladies and gentlemen, kindly follow and go and subscribe to his YouTube channel. Kindly drop him one of these on his official YouTube channel along with one of these, and tell him that he is very, very handsome, very, very wonderful, very, very informative. No, I am certainly not a doctor. Thank you so very much. But after 3 or 4 years, I'm going to be a doctor because I'm a PhD student. But nonetheless, nevertheless, thank you so very much, Doc, for this very wonderful session. Thank you, guys. Thank you so much. एक ने क्वेश्चन पूछा था कि यूट्यूब का चैनल का नेम, तो इट्स डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मेरा पूरा चैनल मिल जाएगा, और वहां पे बहुत सारे वीडियोस एक ब्रोथियन के ऊपर, आप जाइए और देखिए और अभी से देखना चालू करिए, और नेक्स्ट वीक का वेट करिए, हम लोग खूब सारे गिव अवे लेके आएंगे, ग्रोथियन भी देंगे, ईक्लेट भी देंगे और भी डिफरेंट 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 चीजें देंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।